हर किसी की सुनो, हर किसी से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ अवश्य जानता है। अपना स्वभाव उस दीपक की तरह रखो जो राजा के महल में भी उतना ही प्रकाश देता है जितना एक गरीब की झोपड़ी में। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मनुष्य का स्वभाव बड़ा ही अजीब है। वो दिन रात उन चीजों को इकट्ठा कर रहा है जो अंत में उसके साथ जानी नहीं है, और जो उनके साथ जानी है वो इस संसार में ही छोड़े जा रहा है, यानी कि उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि एक बार एक राजा था। वो स्वयं भी बड़ा ही बुद्धिमान था, प्रजावत्सल था, और उसके दरबार में भी बुद्धिमान लोगों की कोई कमी नहीं थी। एक बार उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इन बुद्धिमानों में एक मूर्ख भी बुला लिया जाए, जिससे हम प्रश्न पूछें, वो जो उत्तर दे, सभी का मनोरंजन हो जाए। तभी उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक मूर्ख को ढूंढकर लाया जाए, और उन्हें एक मूर्ख मिल भी गया। जब वह राजा के दरबार में आया, राजा ने उससे कुछ प्रश्न पूछे और उसने उत्तर दिया, और सभी दरबारियों ने खूब उसका मजाक उड़ाया और हंसते रहे। राजा ने एक विशेष प्रकार का मुकुट उस मूर्ख को पहना दिया। अब ये प्रतिदिन का काम था, राजा उससे प्रश्न पूछता, वो उत्तर देता और सभी लोग हंसते। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गए, राजा जो है बीमार हो गया। अब जो है बहुत सारे वैद्यों को दिखाया गया, लेकिन राजा को कोई ऐसी बीमारी हो गई कि अब उसका बचना मुश्किल था। तब उसने उस मूर्ख को अपने महल में बुलाया और राजा ने मूर्ख से कहा कि अब तक मैं तुमसे प्रश्न पूछता था, तुम उत्तर देते थे, आज के बाद तुम मुझसे प्रश्न करना और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मूर्ख ने कहा ठीक है। तब मूर्ख ने पहला जो है प्रश्न पूछा कि राजन अब आप कहाँ जाएंगे। तब उसने कहा कि मैं मेरे परमात्मा के पास जाऊंगा, असली पिता तो मेरा वही है। तब मूर्ख ने कहा कि आप वहाँ कितने दिनों के लिए जा रहे हो। तब राजा ने कहा हमेशा हमेशा के लिए, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, जब एक बार चला जाऊंगा। तब मूर्ख ने कहा राजन जहां आप हमेशा के लिए जा रहे हैं वहां के लिए तो आपने बहुत अच्छे प्रबंध कर रखे होंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर राजा के पास नहीं था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उस मूर्ख ने देखा कि राजा ने मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, तब वो समझ गया। अब उस मूर्ख ने जो मुकुट पहन रखा था वो राजा के ही सिर पर रख दिया और हाथ जोड़कर कहा कि राजन जहां हमेशा रहना ही नहीं है तो फिर मुकुट पहनने से क्या लाभ, ये मुकुट तो आपको ही शोभा देता है। ये कहकर वो मूर्ख वहां से चला गया। अब राजा भी विचारों में खो गया। हमारी भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, जिस परमात्मा के पास हमने जाना है उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, अच्छे कर्म भी नहीं करते हैं, और जो धन दौलत परिवार संबंधी यहाँ रहने वाले हैं, हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं, दिन रात उन्हीं की मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं। तो आप भी सोचना अवश्य, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ही है। कड़वी तो लगेगी क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। तो पहले ध्यान से इस कहानी को सुने, फिर सोचे समझे कि हमें क्या करना है,
उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।